अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, लेक्चर 3.19 में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है रेडिकल फॉर्म में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इन्हें सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन्हें लेट करते हैं। x इज इक्वल टू 2.709 और बाहर हमारी रूट है 5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 और बाहर रूट है 7। सबसे पहले हमने, क्योंकि इन्हें लॉग की मदद से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं लॉग लूंगी बोथ साइड्स पर। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ गया log of x इज इक्वल टू log of, और ये हमारे पास पूरी वैल्यूज आ गई, 2.709 बाहर है रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 और बाहर रूट है 7। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसे log को, हमारे पास देखें दो नंबर्स क्या हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इन्हें log के मुताबिक इन्हें सेपरेट करेंगे। फर्स्ट log हमारे पास है log का, जिसमें अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, जिसमें अगर दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उन्हें इस तरह से सेपरेट करते हैं, log of m प्लस log of n। यहाँ पे हम लिखेंगे log of square root 2.709 बाहर है पावर 5 प्लस log of, ये हमारे पास दूसरा नंबर है जिसे हमने n कहा है, ये है 1.239 और बाहर है 7। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉ को यूज़ किया है, ये वाले लॉ को यूज़ करके इस स्टेप से इस स्टेप में कन्वर्ट किया है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग ऑफ, इस मैं रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगी हूँ, 2.709, ये जो रूट है 5, ये 1/5 हो गई, प्लस लॉग ऑफ 1.239 और हमारे पास जो बाहर रूट है 7, ये 1/7 की फॉर्म में आ गई। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्दर हम लॉ लगाएंगे, थर्ड लॉ जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर के ऊपर पावर होती है, तो हम उसे लिखते हैं n log of m। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ 1/5 log of 2.709 प्लस, अब ये वाली पावर को पहले लिख लेंगे लॉ के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक, तो 1/7 log of 1.239। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमने लॉग लेना है 2.709 का और लॉग 1.239 का। पहले हम लॉग फाइंड आउट करते हैं, 1/5 को वैसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर लॉग हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो लॉग की वैल्यू आती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम पहले करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ये नंबर, चूंकि पहले देखते हैं ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो उसके इंटेग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं उनसे एक कम डिजिट करके यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। ये हमारे पास एक डिजिट है इसके अंदर इंटेग्रल पार्ट में, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है 0 पॉइंट। और जो मेंटिसा हम लेते हैं वो हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेते हैं और लॉग टेबल में उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2709, हमने देखना है 27, फर्स्ट टू डिजिट्स के कॉलम, फर्स्ट टू डिजिट्स को फर्स्ट कॉलम में देखना है 27 कहाँ है, उसके हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है उस कॉलम में जाकर देखना है। तो जीरो कॉलम में हम देखेंगे 27 को, जीरो में तो हमारे पास आता है 4314। इसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर लिखा हुआ है उस नंबर वाले कॉलम में हॉरिजॉन्टली जाएंगे, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 9 में जाएंगे, तो हमारे पास नंबर आता है 14। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 4328। दोनों को ऐड किया तो 4328। यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर आया है ये मेंटिसा है, हम इसे लिखेंगे 4328 प्लस 1/7 वैसे ही लिखेंगे। अब हमने लॉग फाइंड करना है 1.239 का, तो हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ये भी नंबर भी ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इंटेग्रल पार्ट के डिजिट से बताई जाती है। इंटेग्रल पार्ट में है एक डिजिट, यानी 1 नहीं, 1 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है एक डिजिट कम होती है, यानी 0 पॉइंट। और यहाँ पर हम जो फाइंड आउट करते हैं मंटीसा, वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 9। यानी अब हम 12 को देखेंगे, 3 नंबर वाले कॉलम में हॉरिजॉन्टली देखेंगे, तो हमारे पास नंबर आता है
0899 हमने इसमें ऐड करना है मीन डिफरेंस के 9 वाले कॉलम की वैल्यू को हॉरिजॉन्टली देखते हुए, तो आता है 32। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 0931। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट आउट कर देंगे और लिखेंगे 0931। ये पूरा हमारा क्या है, मेंटीसा है। करेक्टरिस्टिक्स हम बता चुके हैं, मेंटीसा हमारे पास 0931 है, उसे हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यू को, तो हमारे पास लॉग आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने हमारे पास 0.4328 जो लॉग आया था उसको हमने 5 से डिवाइड करना है, तो हम इसे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करके देख लेते हैं। 0.4328 इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आती है वैल्यू 0.08656। 0.0931 को डिवाइड करेंगे 7 पे कैलकुलेटर की मदद से, तो हम यहाँ करते हैं 0.0931931 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास आंसर आता है 0.0133। हम यहाँ लिखते हैं प्लस 0.0133 और साथ में ये प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस यूज़ किया। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है तो ये भी हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं 0.0866, इसमें हमने प्लस करनी है वैल्यू 0.0133133, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.0999। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.0999, हम इस साइड पर लिख लेते हैं 0.0999। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की आई है। हमने फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, तो हम लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आता है एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0999। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फाइंड करना है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग हम किस तरह फाइंड करते हैं, उस डेसिमल पार्ट को इंक्लूड करते हुए अपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेते हैं, और यहाँ पर एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे 0.09 को 9 वाले कॉलम में और उसके बाद मीन डिफरेंस के 9 वाले कॉलम में, यानी कि इस तरह से सेपरेशन कर देती हूँ मैं। 0.09 को 9 वाले कॉलम में देखें तो हमारे पास आंसर आता है 1256। हमने ऐड करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम के 9 कॉलम की वैल्यू को जो हॉरिजॉन्टली मैच हो रही होगी, वो है 3। तो आंसर है हमारे पास दोनों को ऐड करने के बाद 1259। यहाँ हम लिखेंगे 1259। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमने रेफरेंस पॉइंट ऐड करना है और वो हम करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स है दिस 10। तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट को कितने नंबर तक मूव करना है, 0 पॉइंट तक, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 0 पॉइंट तक मूव करना है, तो यहीं पर बनता है 1.259। यानी कि 0 पॉइंट मूव किया तो 0 इधर ही बनता है, तो 1.259 आंसर है हमारा। ये हमारा है फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 41 के फोर्थ पार्ट का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यूज हैं 1.23 इनटू 0.6975। ये आपने वैल्यूज बहुत केयरफुल जो है इनको नोट डाउन करना है, 0.0075 इनटू 1278। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसे एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। 0.6975 और 0.007 ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ पे भी इसको लेट करेंगे 1.23 0.6975, डिवीजन में है 0.0075 मल्टीप्लाई 1278। हम लॉग की मदद से कर रहे हैं तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स log of x is equal to log of, और ये हमारे पास अंदर वैल्यू है 1.23 इनटू 0.6975, डिवीजन में है 0.0075 इनटू 1278। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है वो log लिया है अभी बोथ साइड्स पर,
अब मैं इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से इसे ओपन करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर पहले लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ जिसमें ये हम डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज करेंगे, लॉग ऑफ 1, 2, 3, 0.6975, यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ 0.0075 इनटू 1278। यहाँ पर जो लॉग का जो लॉ लगा है वो है लॉग ऑफ एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन अप्लाई हुआ है इस स्टेप पर। यहाँ पर हमारा स्टेप इस लॉग को फॉलो करके बना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास लॉग के सामने दो वैल्यूज के हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इन्हें फर्स्ट लॉग के मुताबिक प्लस में चेंज कर देंगे, यानी 1.23 प्लस लॉग ऑफ 0.6975 माइनस, और यहाँ पे मैं जब चेंज करूंगी तो यहाँ मैं ब्रैकेट शो करूंगी क्योंकि ये बाहर माइनस है और अंदर दो वैल्यूज प्लस होंगी, तो लॉग ऑफ 0.0075 प्लस लॉग ऑफ 1278। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने दोनों जगहों पे जो है फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो हमारे पास लॉ है वो है लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। तो इस लॉ को यहाँ पर मैंने इस स्टेप में यूज किया है। अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं फर्दर इनके साइंस को, तो प्लस लॉग ऑफ 0.6975 माइनस लॉग ऑफ 0.0075 प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ 1278। यहाँ तक सिर्फ हमने भी स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके लिखा है, यहाँ में भी हमने लॉग फाइंड आउट नहीं किया है। इस साइड पर है लॉग ऑफ एक्स, अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर चार लॉग हैं, ये दिस वन ये। अब हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट लॉग को, यानी 1.23 वाले लॉग को। तो लॉग में हम पहले करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर मेंटीसा को फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ये नंबर ग्रेटर देन वन है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इंटीग्रल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स को देखकर आती है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है वन, तो करेक्टरिस्टिक्स है जीरो, जीरो पॉइंट। और अब हमने मेंटीसा देखना है, तो मेंटीसा यहाँ पर हम सबका मेंटीसा देख लेते हैं और मैं यहाँ पर स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई करने लगी हूँ, यानी 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देने हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1, 2, 3। इसको हमने 12 वाले ये लॉग की टेबल में हमने देखना है 12 वाले नंबर को, फर्स्ट कॉलम के 12 वाले नंबर को जो सेकंड हमारे 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स हैं उनके 3 वाले कॉलम में हॉरिजॉन्टली मूव करना है। और जब आप 12 को 3 में देखेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0899। और हमारे पास चूंकि मीन डिफरेंस वाला कॉलम मिसिंग है तो हम बस 0899 रखेंगे। मैं यहाँ पर सबको सॉल्व करके फिर यहाँ पर इस इक्वेशन में ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट वाला यहाँ पे लिखते जाते हैं साथ साथ 0899, ये हमारा आया है मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को मिला के लॉग, ये मेंटीसा था। क्योंकि साइड में हमारे पास जो है वो स्पेस नहीं है, हम वहाँ राइट नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे इसे इस यहाँ पर रफ काम के लिए यूज़ किया है इसे। अब हम यहाँ पे लॉग फाइंड करेंगे 0.6975 का, यानी कि पहले हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि अगर नंबर लेस देन वन है तो करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं जो डेसिमल पॉइंट के इस साइड पे जितने जीरोज होते हैं उनसे एक ज़्यादा, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक्स है वन, वन मोर है, तो ये वहाँ ऊपर पॉइंट जो बार है ये नेगेटिव को शो कर रही है क्योंकि जो हमारा नंबर है वो लेस देन वन है। इसमें हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मेंटीसा की वैल्यू और वो हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को सिलेक्ट करेंगे पहले और लॉग टेबल में देखेंगे। तो 6975 मैंने ये सिलेक्ट किए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने जो नंबर 6975 लिया है इसको हमने 69 को हमने देखना है 7 वाले कॉलम में लॉग टेबल में, तो हमारे पास वैल्यू आती है 8432। हमने इसमें प्लस करना है 5 मीन डिफरेंस वाले कॉलम के हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए जो वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो हमारे पास है 3, तो हमारा नंबर इन दोनों को ऐड करने के बाद बनता है 8435। ये हमारा है मेंटीसा, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 8435 माइनस। अब हम लॉग फाइंड करेंगे 0.0075 का, करेक्टरिस्टिक्स पहले लिखते हैं, ये लेस देन वन नंबर है और इंटरडेसिमल पार्ट है उसके इस साइड पे दो जीरो हैं तो एक ज़्यादा करके करेक्टरिस्टिक लिखनी है, यानी कि 3 और बार ऊपर पॉइंट। अब हमने देखना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लॉग टेबल में, तो यहाँ पर 75 सिर्फ हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जिन्हें हम
स्टूडेंट्स जो है जीरो वाले कॉलम में देखेंगे तो 75 को जब हम जीरो में देखते हैं तो हमारे पास आता है 8751। हम यहाँ लिख देंगे उसे क्योंकि हमारे पास और मजीद डिफरेंस वाले कॉलम भी नहीं है, तो 8751 माइनस साइन। अब हमने जो है हमारे पास नंबर है 1278, करेक्टरिस्टिक्स पहले बतानी है। करेक्टरिस्टिक्स में हम डेसिमल पार्ट के, इंटीग्रल पार्ट के जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उनसे एक कम करते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रल पूरा पार्ट है, कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट में 4 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, इनमें से एक कम करें आप तो बनता है 3 और ये पॉजिटिव है। अब हमने बतानी है मंटीसा, मंटीसा हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेंगे यहाँ पर 1278, और इसको हम 12 को देखेंगे 7 वाले कॉलम में, हमारे पास वैल्यू आती है 1038, प्लस करेंगे मीन डिफरेंस के 8 वाले कॉलम की वैल्यू को तो वो हमारे पास है 27। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो है 1065। दोनों को ऐड करने के बाद जो आया ये मेंटीसा है, इसको हम करेक्टरिस्टिक्स के साथ में ला के लिखेंगे तो 1065। स्टूडेंट्स ये हमारे लोग जो हैं वो फाइंड आउट हो गए हैं। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट जो है ये हमने सिर्फ लॉग टेबल की मदद से अपने मेंटीसास को फाइंड आउट किया हुआ है, ये इंक्लूड नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का स्टेप इसके बाद ये वाला स्टेप है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इन्हें सॉल्व करना है इन वैल्यूज को। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को सेपरेट करते हैं, यहाँ पर तो 0.899 ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो करेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है -1 प्लस 0.8435, ये मैंने इस पार्ट को सेपरेट करके यहाँ पे लिखा है। अब मैं माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लगाऊंगी और अंदर ब्रैकेट में इनको जो सेपरेट कर देती हूँ, -3 प्लस 0.8751 माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं इस पार्ट को जब हम सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस 1065.1065 लिखा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से ये नंबर नहीं लिखा गया ठीक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ओपन करते हैं 0.0899 प्लस माइनस -1 प्लस 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 0.8435 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस 0.8751 माइनस 3 और माइनस 0.1065। ये हमने इसे ओपन करके लिख लिया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन्हें इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये जो पार्ट है 3 -3 इनको हम सॉल्व करते हैं तो प्लस 3 -3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा -1। अब जीरो वाले नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं दोनों को और फिर माइनस करेंगे इससे, यानी कि पहले हम इसको और इस नंबर को जो है वो ऐड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हमारे पास दो वैल्यूज पहले प्लस हो रही हैं, उन्हें प्लस करते हैं, लिखते हैं 0.0, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जब प्लस करेंगे तो लिखेंगे 0.0899 और ये प्लस हो रही है वैल्यू 0.8435 में। हमारे पास जो रिजल्ट आता है इसमें से हमने माइनस करना है इस वैल्यू को, तो हम इस वैल्यू को अब माइनस करने लगे हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आया था तो -0.8751। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है कैलकुलेटर पे यहाँ पर, इसको हमने माइनस करना है इस वैल्यू से, तो हम इसे माइनस करते हैं -0.10655। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है -0.0482। तो यहाँ मैं लिखती हूँ अब इसे प्लस -0.0482, ये सॉल्व करने के बाद आया है इन वैल्यूज को, तो ये माइनस के साथ है, हमारे पास मेंटीसा माइनस नहीं होना चाहिए, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। वो इस तरह से करेंगे कि हम खुद से -1 और +1 इसमें ऐड करेंगे -0.0482। ये हम पहले भी स्टेप करते आए हैं। अब हम यहाँ पर -1 प्लस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस -1 बाहर निकाल दिया और यहाँ पर जो 1 के साथ माइनस किया इस वैल्यू को, तो जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पर प्लस के साथ लिखेंगे। हम इसे माइनस करके कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस और हमारे पास वैल्यू है 0.0482। ये हमारे पास वैल्यू है, इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आया है 0.9518।
हम इसे लिख लेते हैं 0.9518। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आप दोबारा बता दूँ आपको कि जो हमारे पास नेगेटिव मंटीस आया था, हमने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये स्टेप परफॉर्म किया है। इसमें मैंने खुद से -1 + 1 प्लस किया है और एक दफ़ा माइनस किया है, उसके बाद मैंने इस माइनस को बाहर निकाल दिया है और इस 1 पॉजिटिव को इसके साथ सॉल्व कर लिया है, तो आंसर आया है 0.9518। अब ये -1 - 1 - 2 होता है प्लस 0.9518। तो हम यहाँ पर इसे दोबारा से कंबाइन कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को, तो बनता है 2.9518। ये हमारे पास स्टूडेंट्स लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग से ये लॉग खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया एंटी लॉग और ये अंदर है 2.9518 और ये नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक्स। जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट्स में तो जो है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 518 और हम जो है एंटी लॉग के टेबल को यूज़ करते हैं। एंटी लॉग वाले टेबल में हम जो पहले वाले हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स जो हैं 0.95 है, 0.95 को हमने देखना है 1 में। तो स्टूडेंट जब हम 0.95 को जो है एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8933। फिर हमने मेन डिफरेंस वाले जो कॉलम्स हैं उनके 8 कॉलम्स में हॉरिजॉन्टली देखा तो हमारे पास वैल्यू आती है 17। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड किया तो आता है 8950। यहाँ पे लिख दिया 8950। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमने इसमें जो पॉइंट लगाना है वो करेक्टरिस्टिक्स को देख के लगाना है। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे -2 है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को ऐसे मार्क करके फिर हम यहाँ देखते हैं कि हमने 2 पॉइंट्स जो है अब हमने लेफ्ट साइड पे मूव करने हैं क्योंकि ये नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स है। अगर पॉजिटिव होता तो 2 जो डेसिमल पॉइंट है वो पॉजिटिव साइड पे मूव करवाने थे, अब नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव साइड पे मूव करेंगे 2 पॉइंट्स, तो यहाँ से मूव करते हैं 1 और 2। तो ये हमारे पास बन गया 0.08950 और ये हमारा है आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37, डिवीजन में हमारे पास है 60.8 और इनकी होल जो पावर है वो है 1/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू फिर से वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 20.37, डिवीजन में है 60.8 और होल 1/3। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लॉग लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स क्योंकि हम लॉग की मदद से इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, तो बोथ साइड्स लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37, डिवीजन में है 60.8 और बाहर 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो सबसे पहला स्टेप करेंगे वो हम इस पावर को जो है वो लॉग के लॉग की मदद से हम बैक साइड पे लेके आएंगे। ये लॉग का जो हमारे पास लॉग था m की पावर n, तो हम लिखते थे n log of m, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे n, यहाँ पर n जो है वो 1/3 है लॉग और ये पूरी वैल्यू फिर से अगेन राइट करेंगे 20.37, डिवीजन में है 60.8। अब यहाँ पे दोबारा हम लो लगाएंगे, वो लो कौन सा होगा, वो सेकंड लो होगा जिसके मुताबिक हमारे पास अगर 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हों तो हम उन्हें सेपरेट करते हैं माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3 लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37। इस वक्त इस पूरी को हमने m जो है वो किया है और फिर माइनस साइन लॉग ऑफ 60.8। अब हमारे पास इस स्टेप में हम अगेन जो है वो इस साइड पर लो जो है फर्स्ट लो अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लो के मुताबिक अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन्हें प्लस के साथ सेपरेट करते हैं, तो ये हमारे पास ये लो जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा इस साइड पर, तो लिखते हैं लॉग ऑफ 0.7214 प्लस लॉग ऑफ 20.37 और ये हमारे पास जो है वो सेपरेट हो गए हैं और लॉग ऑफ 60.8। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देने के लिए इसको मैं यहाँ पर इक्वल को यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ क्वेश्चन को, 1/3
यहाँ हमने थ्री लॉग्स फाइंड आउट करने हैं, लॉग ऑफ 0.7214 फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इसकी बनती है 1 डॉट, और हमने जो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको हम लॉग टेबल में देखेंगे। तो 72 को अगर आप 1 में देखें तो हमारे पास आता है 85। यहाँ सेपरेट करके देख लेते हैं, 72 को हमने देखना है 1 में, तो हमारे पास वैल्यू आती है 8579। इसमें हमने प्लस करना है 4 मीन डिफरेंस वाले कॉलम की वैल्यू, तो वो है 2। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आता है 8581। यहाँ में ये मंटीसा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे 8581। अब हम लॉग फाइंड करेंगे 20.37 का, प्लस साइन ये वाला जो है वो यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 1 इसकी करेक्टरिस्टिक्स बनेगी 1 पॉइंट, और जो मंटीसा आएगा वो हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद लॉग टेबल को 20.37, यानी 20 को देखेंगे 3 वाले कॉलम में, तो हमारे पास आता है 3075। ऐड करेंगे 7 मीन डिस्टेंस वाले कॉलम की वैल्यू, तो वो है 15। तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 3090। हम यहाँ पे मंटीसा को लिखेंगे करेक्टरिस्टिक के साथ मिलाकर। फिर हमारे पास जो थर्ड है लॉग, वो है 60.8, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है 1, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं इंटेग्रल पार्ट में, तो 1 करेक्टरिस्टिक्स है। पॉइंट लगाकर मंटीसा फाइंड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेते हुए, यानी कि 60 को देखेंगे 8 में, तो हमारे पास आंसर आता है 7839। मीन डिफरेंस का कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो 7839 मंटीसा बन गया है। उसको हम करेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलाएंगे तो 7839। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लॉग फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इनको बाहर पहले अंदर सॉल्व करेंगे और फिर इनको 3 से जो है वो डिवाइड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को पहले प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैलकुलेटर से पहले हम इसे करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हम इनकी सॉल्व करते हुए करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को सेपरेट लिखते हैं। तो इसको मैंने सेपरेट लिखा तो आया 1 प्लस माइनस 1, क्योंकि ये बार है तो माइनस 1 लिखा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मंटीसा नेगेटिव नहीं है, मंटीसा पॉजिटिव है। तो 0.8581 प्लस, ये पॉजिटिव था 1 प्लस 0.3090 माइनस, यहाँ पे हमारे पास 1 पॉजिटिव है 1, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये दो में सेपरेट होने लगा है, प्लस 0.7839। अब स्टूडेंट्स, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हुए 1/3, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, 0.8581 प्लस 0.3090, इनको हम सॉल्व करें माइनस को, तो माइनस 1 माइनस 0.7839 1/3। माइनस 1 को मैं इस साइड पे लिखने लगी हूँ, बाकी वैल्यूज को दोनों को प्लस करूँगी, फिर माइनस करेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हम लिखते हैं 0.8581 और इसमें प्लस करते हैं 0.3090, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हमने माइनस करना है 0.7839, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या है, 0.3832। हम लिखते हैं 0.3832। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को पहले प्लस किया था इन दोनों को, फिर माइनस किया था इस वैल्यू से, तो रिजल्ट आया है 0.3832 और साथ में है माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसे माइनस 1 को यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेती हूँ फर्दर, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है माइनस 0.6168। ये मैंने कैलकुलेटर की मदद से किया है, माइनस 1 प्लस किया है 1/3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.6168 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है, या आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है, 0.2056। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारे पास नेगेटिव में आ गई है, हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए होती, तो हम इसे पॉजिटिव करेंगे वही प्लस माइनस 1 करके। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.2056। ये मैंने खुद से स्टेप किया है, प्लस को 1 को प्लस भी किया और माइनस भी किया है, माइनस 1 वैसे ही रहेगा, प्लस 1 को इसके साथ आप जब माइनस करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास प्लस 0.7944। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है और ये मंटीसा, इनको कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/7944। ये हमारी फाइंड हुई है लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, लॉग को हम खत्म करेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स
तो लिखेंगे x इज इक्वल टू एन टी लॉग 1.7944, यहाँ पे ऊपर है बार। यहाँ पे जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो स्टूडेंट्स इस डेसिमल पॉइंट्स में हम फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेते हैं और एंटी लॉग में देखते हैं यानी 0.7944। एंटी लॉग टेबल में हम फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स को डेसिमल के साथ जो है एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। फोर कॉलम्स के अंदर तो हमारे पास आती है वैल्यू 6223। हम ऐड करेंगे फोर डिफरेंस वाले मीन डिफरेंस वाले कॉलम के, फोर कॉलम में देखेंगे वैल्यू तो वो हमारे पास है 6। इन दोनों को ऐड करें तो आता है 6229। हमारे पास आंसर है 6229। ये आंसर नहीं है, अभी हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है और वो हमने करेक्टरिस्टिक्स को देखना है। करेक्टरिस्टिक्स है 1 नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के नेगेटिव वाली साइड पे हमने मूव करना है 1 करेक्टरिस्टिक्स यानी 1 डेसिमल पॉइंट को। तो यहाँ से मूव किया यहाँ पर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.6229। ये हमारा है आंसर। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th, 5th और 6th पार्ट को सॉल्व किया और इन पार्ट्स में हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम्स को यूज़ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।